आपके कायपलट चैनल की सुख आपके साथ। आज की रेमेडी है सफेद बालों को काला कैसे करना। बढ़ते प्रदूषण और प्रॉब्लम की वजह से हमारे बालों का बहुत बुरा हाल हो चुका है। इसे वक्त से पहले बाल झड़ना, बालों का सफेद होना, ये नॉर्मल सी बातें हो चुकी हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बालों को नेचुरल तरीके से कैसे आप काला कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपके बालों की रंगत चेंज हो जाएगी, बाल घने हो जाएंगे, बालों का झड़ना रुक जाएगा, बाल काले हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में आप अपने बालों को सफेद से काला पाओगे। तो इसके लिए मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कलौंजी लेना, मेथी, कड़ी पत्ता, कलौंजी, मेथी, कड़ी पत्ता और सरसों का तेल। आपको लोहे की कढ़ाई लेना, यदि आपके पास नहीं है आप नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब आप गैस स्टार्ट करो, स्टेट कढ़ाई रख दीजिए, इसमें सरसों का तेल डाल दें। सरसों का तेल बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। सरसों के तेल में बीटा कैरोटीन, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व से भरपूर मात्रा में होते हैं। सरसों के तेल से रेगुलर मसाज करने से बालों में तेजी से बढ़ते हैं। आपको 2 चम्मच मेथी डालना है। कलौंजी 1 चम्मच, कड़ी पत्ता डालना है। इन सब को लाल होने तक आपको पकाना है। कलौंजी में आपके बालों को काला करने का गुण होता है। कड़ी पत्ते आपके बालों को हेल्दी और काले करते हैं और मेथी आपके बालों को गिरने और झड़ने से बालों को रोकता है। अब मेरा तेल अच्छे से पक गया है। मैंने जितना भी सामग्री डाला था वो काला हो गया। तो आपका तेल तैयार हो गया। तो अब उसे गैस बंद करने के बाद आप ठंडा होने तक वेट करें। ठंडा होने के बाद आप किसी बाउल में छलनी की मदद से तेल को छान लें। इस ऑयल को लगातार इस्तेमाल करने से कुछ दिनों में आपके बाल काले, घने और लंबे हो जाएंगे और बाल झड़ना भी खत्म हो जाएगा। इस तेल को आप किसी कंटेनर में रख लें। इसके बाद आप बालों पे मांग बना के मेरे वीडियो में बताए गए तरीके से आप ऑयल लगाएं। मांग बना बना कर बालों पे ऑयल लगाना है। इसी तरह आपको सारे बालों पे ऑयल कंप्लीट कर देना। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहूंगी।